मेरे साथ हो रहा था कि जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि मुझे 8वें नंबर पर बिठाला गया है, तो मैं ये समझ गया कि मेरा नंबर आते आते सारी चीजें लगभग लगभग पूरी हो जाएंगी। जब आप यहाँ पे आते हो तो आप सोचते हो कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ड्राइवर्स क्या है, क्या है वो ड्राइवर्स। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो आप देखते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेकिन किसी दूसरे ने ही वो बोल दिया। फिर आप सोचते हो कि आप ऐसा करोगे कि आप कुछ वीकनेसेस पे बात करोगे, तो आप देखते हो कि यूथ का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो कोई और स्पीकर ने बोल दिया है। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें मेरे साथ भी हुई और मुझे अच्छा ये लगा कि इस पूरे समय को जो जिसमें मैं सुन रहा था अपने रिस्पेक्टेड, अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों को, मुझे बहुत सीखने को मिला। और यही मैं आपसे भी चाहता हूं। देखिए, गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स ले रही है, आपको एक स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क मिल रहा है और यही एक कारण है जिसके कारण से आपकी ग्रोथ का जो स्पीड है वो बढ़ गई है। मगर जैसे एक हमारे सीनियर सर ने आपसे बार बार कहा कि 30 सेकेंड है आपके पास, आप फटाफट सर्च करिए। आप चाहते हैं अगर मैं अपनी वाणी जल्दी से विराम करूं तो आप एक छोटी सी चीज सर्च करिए अपने फोन पे, अपना नाम लिखिए और उसमें लिखिए माय कंट्रीब्यूशन, दैट मींस योर नेम्स कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ हिस्ट्री और द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। करिए फटाफट, जस्ट राइट योर नेम। सी, माय नेम इज प्रशांत, सो आई राइट प्रशांत कंट्रीब्यूशन और डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी और हाउ इज प्रशांत गोइंग टू लीड टू दिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। करिए, कुछ मिल रहा है? अगर किसी को कुछ मिल जाए तो जरूर बताइए। ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा, इंडिया के ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में पता चलेगा, पर आपके खुद के कंट्रीब्यूशन के बारे में आई एम नॉट श्योर कि अभी गूगल ने कुछ ऐसा आपने किया है जो गूगल ने नोटिस कर लिया। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? जो लोग वहां पे बैठे हुए, मेरे साथ एक चीज और हो रही थी, मैं इधर बैठा था और मेरी आई लाइन पे कुछ बच्चे थे जो स्लीपी थे, सॉरी टू से, उनको देख के मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कराता हूं कि शायद सभी लोग कनेक्ट हो सके। कोई को मिला? एनीबॉडी? आपके कॉन्ट्रीब्यूशन का कोई डिटेल नहीं मिला। देखिए, मैं भी पहले सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरा बड़ा मन था कि मैं आर्मी में चला जाता हूं, लेकिन somehow आंखें खराब हो गई, तरह तरह के कारण हुए और मैं आर्मी में नहीं जा पाया, देश की सेवा नहीं कर पाया। इसलिए जब मैं कभी भी मिलता हूँ डिफेंस एक्सपर्ट्स जैसे हमारे रिस्पेक्टेड वाजपेयी सर, मिश्रा सर, मेरा सर झुक जाता है उनके आगे रिस्पेक्ट से। लेकिन जब मैं टीचर बना तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ आर्मी पे जाके ही देश की सेवा आप नहीं कर सकते हो, आप जो कुछ भी रिस्पेक्टिव कर रहे हो उसको अच्छे से करो और देश की सेवा हो जाएगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड पे प्रधानमंत्री जी लगभग हर भाषण में बात करते हैं, आप कहीं पे भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो जो ग्रोथ व्हीकल है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तो आपके पास है, आप ही तो वो डिविडेंड देने वाले हो। जो यूथ है, जो यंग पॉपुलेशन है, वही तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को लीड कर रही है। और आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिला? आपको नहीं, कोई बात नहीं। आज से, अभी से आपको ये करना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, देखिए दो कैटेगरी के लोग यहां पे अवेलेबल है अभी, एक है इंटेलेक्चुअल्स और दूसरे हैं प्रोफेशनल्स, राइट? कैन आई कॉल यू प्रोफेशनल्स? से यस और नो? इधर वालों को नहीं लग रहा है कि वो प्रोफेशनल है? कैन आई कॉल यू प्रोफेशनल? पहले मैं एक अपनी, जब भी इस तरीके का कुछ होता था तो मैं बोलता था हाउस द जोश, हाउस द जोश। इतना अगर हाई है और वो भी PSIT के इतने अच्छे ऑडिटोरियम में, तो हाई को थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। हाउस द जोश या तो आप इस हाई जोश के साथ में ये बताइए कि आपको मैं प्रोफेशनल बोल सकता हूं? तो एज ए प्रोफेशनल आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इंडिया की ग्रोथ में? कैसे करेंगे ये सोचिए। और यही प्रश्न मैं आपके दिमाग में छोड़ के जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे हमारे जो संचालक महोदय हैं उनका निर्देश है कि आप अपनी बात को बहुत ही कम शब्दों में कहिएगा। तो मैं ये थॉट, ये क्वेश्चन आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं कि आप यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड दिलाने में
किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा ये जरूर सोचिए, क्योंकि आपके पास में एक बहुत अच्छा कोई डिवाइस हो सकता है मगर आपको उसको यूज करना नहीं आता है तो वो वर्थलेस हो जाएगा, राइट। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सारे स्टैट्स आपके पास है, ब्लू इकोनॉमी, UPI, दिस एंड दैट, एवरीथिंग इज देयर, सब हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया है, बस इसको इस्तेमाल करना है। इससे अच्छा एनवायरमेंट आपको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने समय से देख रहे हैं, इतना कंड्यूसिव एनवायरमेंट है, आपको जो करना है आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो, आप बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो, आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर योर ड्रीम्स आर, यू कैन मेक दैट हैपन, बट फॉर दैट आपको कॉम्प्लेसेंसी को छोड़ना होगा। बस यही मेरा आपको निवेदन है, और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूं। धन्यवाद।